कोहिनूर जो मुंब्रा का सबसे बड़ा और पहला मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जो पिछले 11 सालों से ट्रस्टवर्थी ब्रांड है। लाया है मुंब्रा का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस ब्रांड स्टोर, जहां मौजूद है सभी ब्रांड अंडर वन रूफ, वो भी शहर के बीचों बीच। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा। स्पेशल लोन ऑफर विथ जीरो डाउन पेमेंट, साथ ही पहले 200 कस्टमर के लिए स्पेशल गिफ्ट पैक। कस्टमर की हैप्पी रिस्पांस को देखते हुए अब और भी पर्सनलाइज सर्विस के साथ कोहिनूर सेलिंग जॉयफुली। अब न्यू लोकेशन पर ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बाय डॉक्टर दादन क्लिनिक मुंब्रा कौसा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा और शील फाटा इलाके में ट्विंग करके गाड़ियों को उठाकर उन पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब ट्विंग करके जो गाड़ी उठाने का काम करते हैं उस टीम पर शील फाटा में मारपीट की घटना सामने आई है। 3 लोगों ने इस मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। ट्विंग कर्मचारियों को कभी लात तो कभी घूंसे मारे गए, यहां तक कि एक ट्विंग कर्मचारी को मारने के लिए एक युवक ने बड़ा सा पत्थर भी उठा लिया था। ट्विंग गाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारी जिन पर हमला हुआ है, इमरान बैग ने बताया है कि शील फाटा पर एक ट्रक रोड के किनारे खड़ा हुआ था और उस पर इन लोगों ने जैमर लगा दिया, मगर थोड़ी देर बाद जब जाकर देखा तो वो जैमर तोड़ दिया गया था। टूटा हुआ जैमर देखकर ट्विंग कर्मचारी वहां पर वीडियो बनाने लगे, तभी 3 लोग आए और पूछे कि आखिर वीडियो तुम लोग क्यों बना रहे हो। तो इन लोगों ने बताया कि हमारा काम है वीडियो बनाना और इस ट्रक में जैमर लगाया गया था, वो किसने तोड़ा है। जिसके बाद उन 3 लोगों ने ट्विंग कर्मचारियों पर हमला कर दिया, लात घूसों से मारा गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ट्विंग कर्मचारियों को 3 लोग मार रहे हैं, कभी लात कभी घूसे मारे जा रहे हैं। उसके बाद एक युवक पत्थर भी उठा लिया और मारने की कोशिश भी कर रहा था। किसी तरह से ट्विंग कर्मचारी अपनी जान बचाकर वहां से भागे। हालांकि इस मामले के संबंध में शील ढाईघर पुलिस में ट्विंग कर्मचारियों ने शिकायत भी की और इनकी शिकायत पर शील ढाईघर पुलिस ने NC दर्ज की है, जबकि 3 में से 2 को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। लेकिन वही ट्विंग कर्मचारियों में अब एक डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि पूरा दिन ये लोग काम करते हैं और जो रोड के किनारे पार्किंग की जाती है उन 4-व्हीलर 2-व्हीलर उन पर कार्रवाई करते हैं, और अब कहीं ना कहीं इस तरह की घटना सामने आ रही है कि ट्विंग कर्मचारियों के साथ मारपीट, जानलेवा हमला करने की भी, जिस तरह से देखा इस वीडियो में एक बड़ा सा पत्थर उठाया है वो लड़का मारने के लिए, अगर मार देता तो इसमें किसी न किसी की गंभीर चोट लगती या फिर जान भी जा सकती थी। तो इस तरह के ये मामले जो सामने आ रहे हैं ये काफ़ी भयानक स्थिति पैदा कर सकती है।